So it's application of the Laplace transform to solve the partial differential equation. So यहाँ पे वो का वही differential equation वाला concept यहाँ लगेगा, formula भी लगभग same होता है. Hello, I'm Dr. Gajendra Purohit और आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आ रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से किस तरह से सॉल्व करते हैं. इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं. सो इट्स एप्लीकेशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो यहाँ पे वो का वही डिफरेंशियल इक्वेशन वाला कंसेप्ट यहाँ लगेगा, फार्मूला भी लगभग सेम होता है, बट यहाँ पे पार्शियल है तो वेरिएबल्स ज़्यादा होते हैं. तो देखिए आप किस तरह से हम करते हैं. मैं पहले फार्मूले की बात करता हूँ. सो यहाँ पे लाप्लास हमेशा जो वेरिएबल है वो क्या है, यहाँ पे टी है, क्लियर है. टी पे लाप्लास लेते तो एस में कन्वर्ट होता है पर एक्स में नहीं लगता है लाप्लास, क्लियर है. सो यहाँ ध्यान दीजिए कि फार्मूले होंगे क्या होंगे, डेल यू बाय डेल टी लाप्लास ऑफ डेल यू डेल टू यू बाय डेल टी स्क्वायर लाप्लास ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स एंड लाप्लास ऑफ डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर. मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि लाप्लास ऑफ यू एक्स टी, अगर x और t पे हम लाप्लास लेते हैं तो ये u बार हो जाता है, जो x है वो एज इट इज रहता है पर यहां पे ये s हो जाता है, क्लियर है. लाप्लास किस पे लगेगा, t पे लगेगा, t s होगा, x में कोई चेंज नहीं होगा. तो हम यहां पे जैसे लाप्लास लेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस ये u चेंज हो जाएगा. और ये चूंकि u यहां पे पहले किस पे डिपेंड कर रहा था, x और t पे डिपेंड कर रहा था, पर अब यहां पे u जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है. तो ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो जाएगा डिपेंड अपॉन x स्क्वायर. और यहां पे क्या होगा फार्मूला, यहां पे जो फार्मूला नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करते हैं वही होगा. सो ये फार्मूला होगा s u बार माइनस u x जीरो. देखो मैं आपको बता दूं वहां पे लाप्लास ऑफ dy का फार्मूला क्या होता था, s ly माइनस y जीरो, है ना. तो यहां पर भी वही हो रहा है, क्या हो रहा है फार्मूले में, यहां पे y की जगह u आ रहा है और t की जगह जीरो आ रहा है, x as it is, है ना. और ये u बार है, u बार का मतलब आपको पता ही है, इसको हम शॉर्ट में u बार लिखेंगे, क्लियर है. तो फार्मूला लगभग आप कनेक्ट कर सकते हो दोनों को. यहां क्या हुआ है, s स्क्वायर u बार माइनस s u x जीरो माइनस u t x जीरो. मैं आपको बता दूं u t का मतलब क्या होता है, डेल u बाय डेल t एट t is equal to 0. इसका मतलब ये होता है, राइट. तो हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे, मैं आपको और समझाऊंगा, है ना. तो ये फार्मूले जो हम वहां पे यूज करने वाले हैं और इसके हेल्प से हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. सो देखिए आप कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहां पे. सो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्यूशन में डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू टू डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर. दोनों तरफ क्या लेंगे हम, यहां पे लाप्लास लेंगे, राइट. Now we know that del u by del t का कितना होता है, s u bar minus u x zero, और ये होगा आपके पास d two u bar by d x square, clear. अब ये हमारे पास एक ordinary differential equation हो गई, इसको हम आराम से solve कर सकते हैं. मैं इसको उधर ले गया, so 2 d two u bar upon d x minus s u bar minus का u x zero, now 2 से divide करेंगे. So d2 u bar by dx square minus s by 2 u bar minus का ux0 upon 2. Now value रख दीजिए ux0 की value. ux0 की value आपके पास कितनी दे रखी, tan sin 4 pi x, वो उठा के यहाँ रखेंगे. तो इसको solve करेंगे तो आएगा d square minus s by 2 u bar, और ये value रखूंगा तो आएगा minus का 5 sin 4 pi x, because 2 से डिवाइड हो रहा है तो 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा. नाउ ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो इसका हम सी एफ पी आई निकालेंगे, है ना. और अब जो स्टूडेंट सी एफ पी आई नहीं निकालना जानते उनको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो वीडियो है जिसमें मैंने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में सी एफ पी आई के मैंने वीडियोज बना रखे हैं, तो आप वहां से सीख सकते हैं कि कैसे इसका सी एफ और पी आई निकालते हैं, राइट. सो एम स्क्वायर माइनस एस बाय 2 इज इक्वल टू 0. So m is equal to plus minus root s by 2. तो इसका जो सी एफ आएगा वो आएगा c1 e की पावर s by 2 x plus c2 e की पावर minus s by 2 x. Now इसका हम क्या निकालेंगे, अब pi निकालेंगे. So pi किस तरह से निकालते हैं, पूरी सिंबॉलिक फॉर्म कहा जाती है, नीचे की तरफ जाती है, माइनस साइन 4 pi x डिवाइडेड बाय d स्क्वायर माइनस s बाई 2. हम जानते हैं साइन का पीआई क्या होता है, जहां पर जो भी वैल्यू होती है 4 पाई उसको उठा के यहां रख के स्क्वायर करके माइनस करते हैं, राइट. तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 पाई स्क्वायर, और आगे क्या लगा देंगे माइनस. तो u बार इज इक्वल टू क्या आएगा यहां पे, ध्यान दीजिए, माइनस का 5 साइन 4 पाई x डिवाइडेड बाय
माइनस का 16 पाई स्क्वायर माइनस एस बाई टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 पर जाएगा टेन साइन 4 पाई एक्स डिवाइडेड बाय एस प्लस 32 पाई स्क्वायर। नाउ सी ए प्लस पी आई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्यू बार इज इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। नाउ क्या आएगा, सी एफ कितना है, सी वन ई की पावर एस बाई टू एक्स सी टू ई की पावर एस बाई टू एक्स प्लस पी आई कितना है इसका, टेन साइन 4 पाई एक्स डिवाइडेड बाय एस प्लस 32 पाई स्क्वायर, राइट। नाउ अब ये कंडीशन जो हमारे पास एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी है इसको हम अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई यू 0t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू यू 5t। मैं आपको बता दूं 90% क्वेश्चंस के अंदर जब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तब कांस्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम क्या आती है, 0 ही आती है। सो आप जैसे अप्लाई करेंगे तो यहां c1 और c2 दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, है ना। आप सीधा लिख सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा। ओके अब हम क्या करेंगे, ये तो क्या हो गया हमारा 0, और u बार को मैंने बताया था, u बार का मतलब क्या होता है, लाप्लास ऑफ uxt। तो इस u बार की जगह मैं लिख सकता हूं लाप्लास ऑफ uxt इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, कितना बचा यहां पे, tan sin 4 पाई x अपॉन s प्लस 32 पाई स्क्वायर। नाउ uxt इज इक्वल टू 10 साइन 4 पाई एक्स लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 32 पाई स्क्वायर। सो यू एक्स टी इज इक्वल टू 10 साइन 4 पाई एक्स ई की पावर माइनस 32 पाई स्क्वायर। ये इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। आप चेक करना चाहते हैं कि यार हमारा आंसर सही है या गलत है, तो मैं आपको बता रहा हूं आंसर आ गया है, अब इसको चेक करना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी एक कंडीशन ले लीजिए ux 0 वाली, तो जहां पर भी t है वहां 0 रखिए, क्या आना चाहिए, tan sin 4 pi x आना चाहिए। तो बेटा यहां पे t की जगह 0 रखेंगे तो e की पावर 0 कितना होता है, 1, तो tan sin 4 pi x मतलब हमारा आंसर क्या है यहां पे, सही है। सो मैं आपके सामने एक और दो क्वेश्चन और लूंगा फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे दो क्वेश्चन और देखिए किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो देखिए अब यहाँ पे सॉल्यूशन में दोनों तरफ क्या लेंगे, हम यहाँ पे लाप्लास लेंगे। सो माइनस लाप्लास ऑफ डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस टी, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास, इसकी वैल्यू आएगी डी यू बार बाय डी एक्स, और ये आएगा एस यू बार माइनस ux0 इज इक्वल टू इसका लाप्लास 1, और ये आएगा s प्लस 1 और du बार बाय dx माइनस su बार, और माइनस माइनस प्लस, और ux0 की वैल्यू आपके पास x दे रखी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या आएगा, ये s प्लस 1 और s, तो इसको करेंगे तो s प्लस 1 और s कैंसिल, सो दिस इज s इंटू s प्लस 1। नाउ उस x को उधर लेके जाइए आप, सो du बार बाय dx माइनस एस यू बार, x उधर गया तो 1 अपॉन s इंटू एस प्लस 1 माइनस x। आप देख रहे हो यहाँ पे फिर एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, और मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, कैसे, इसको आप लिख सकते हैं d माइनस s इंटू यू बार। नाउ इसका हम सी एफ निकालेंगे तो इसके लिए हमें एक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। सो m इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे कितना हुआ, s। नाउ u बार इसका जो सी एफ होगा वो कितना आएगा, सी एफ होगा इसका यू सी ई की पावर एस एक्स, राइट। नाउ इसका हम क्या निकालेंगे, पी आई निकालेंगे, दिस इज सी एफ। नाउ पी आई के लिए क्या करते हैं, पूरी सिंबॉलिक फॉर्म कहाँ जाती है, नीचे जाती है। सो 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 एक्स माइनस एस अपॉन डी माइनस एस, क्लियर है। यहाँ पे एस की पावर क्या, ये सबसे पहले कॉन्स्टेंट को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस एस बाहर आएगा। सो यू बार इज इक्वल टू माइनस एस 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एक्स, ये आएगा आपके पास 1 माइनस माइनस एस बाहर निकला तो डी माइनस एस, ऊपर ले जाएंगे इसका तो इन्वर्स निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए आप ऊपर जाएगा तो माइनस 1 अपॉन डी बाय एस का इन्वर्स, और मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1 अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 1 माइनस एक्स बाय एस, राइट। माइनस अंदर गया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नाउ इसको करेंगे सिंप्लीफाई, सो यू बार 1 प्लस डी बाय एस इंटू माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 1 प्लस एक्स बाय एस, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो यू बार आएगा यहाँ पे वो मैं सीधा यहाँ लिख रहा हूँ,
जैसे अंदर ले जाएंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस वन प्लस एक्स बाय एस, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन वन, तो ये वन अपॉन एस क्या आ जाएगा, वन अपॉन एस स्क्वायर। सो नाउ इसका हम निकालेंगे सी ए प्लस पी आई, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो यू बार इज इक्वल टू क्या आएगा, सी एफ कितना है इसका, सी ई की पावर फाइव एक्स प्लस, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर इन टू एस प्लस वन प्लस एक्स बाय एस। और हम जानते हैं यू बार का मतलब होता है लाप्लास ऑफ यू एक्स टी, और अब कंडीशन अप्लाई करेंगे, है ना, अप्लाई द कंडीशन, क्या अप्लाई, कंडीशन क्या अप्लाई करनी है यहाँ पे, t इज ग्रेटर देन जीरो, जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। नॉर्मली मैक्सिमम क्वेश्चन में c की वैल्यू जीरो आती है, जो भी कंडीशन एक्स्ट्रा लिखी हो सीधा लिखो अप्लाई द कंडीशन एंड देन कॉन्स्टेंट क्या आएगा, जीरो। नाउ ये u बार है, इसको हम लिखते हैं लाप्लास ऑफ यू एक्स टी, तो ये आएगा यू एक्स टी, और लाप्लास को हम उधर ले गए तो लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ, मैं थोड़ा जगह नहीं है तो यह लिख लेता हूँ, एस स्क्वायर एस प्लस वन प्लस एक्स लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस। नाउ यू एक्स टी, इसका लाप्लास इनवर्स कितना होता है, टी। नाउ इसका मुझे नहीं पता है, ये आएगा आपके पास एक्स, अब मुझे इसका लाप्लास इनवर्स लिखना है तो वन अपॉन एस स्क्वायर इसका आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको वही डिविजन प्रॉपर्टी लगानी, तो मैं डिविजन प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस वन कितना होता है, e की पावर माइनस टी, और जब एक बार एस से डिवाइड करेंगे, मैं इसको एस से डिवाइड करता हूँ, है ना, तो ये आएगा जीरो से टी डी टी, एंड सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ई की पावर माइनस टी जीरो से टी, तो ये आएगा वन माइनस ई की पावर माइनस टी, एंड देन एक और बार करेंगे तो लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस वन, तो ये आएगा जीरो से टी वन माइनस ई की पावर माइनस टी डी टी, तो ये आएगा आपके पास टी प्लस ई की पावर माइनस टी जीरो से टी, तो ये आएगा टी प्लस ई की पावर टी माइनस वन, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी टी प्लस ई की पावर टी माइनस वन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो यह आएगा आपके पास यू एक्स टी, टी से टी कैंसल, माइनस ई की पावर टी प्लस वन प्लस एक्स, आपका आंसर आएगा। आप चेक करना चाहते हो कि यार गलत है कि नहीं, गलत तो नहीं है, तो जहाँ पर भी एक्स है वहाँ जीरो रख, आई मीन जहाँ टी है वहाँ जीरो रखेंगे तो ई की पावर जीरो वन होता है, माइनस वन से वन कैंसिल एक्स, मतलब ये आपका आंसर क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, क्लियर है। नाउ एक और क्वेश्चन देखिए आप किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। सो इसको देखिए आप क्या करेंगे, लाप्लास ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस, सॉल्यूशन में देखिए लाप्लास ऑफ डेल यू बाय डेल टी प्लस लाप्लास ऑफ यू, देन इसकी वैल्यू आएगी आपके पास डी यू बार बाय डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एस यू बार माइनस यू एक्स जीरो प्लस यू बार, राइट। नाउ ये u बार एक साथ लिखेंगे तो डी यू बार बाय डी एक्स माइनस टू एस प्लस वन यू बार इज इक्वल टू माइनस का टू यू एक्स जीरो, क्लियर। नाउ यू एक्स जीरो की वैल्यू रख देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है टू एस प्लस वन इंटू यू बार, और ये आएगा माइनस का ट्वेल्व ई की पावर माइनस थ्री एक्स। नाउ क्या करेंगे इसका सी एफ निकालेंगे, सो एम 2s plus 1 is equal to 0, so m is equal to आपके पास आएगा 2s plus 1, so u bar is equal to c1 e की पावर c e की पावर 2s plus 1 x, तो ये तो आपका क्या आ गया cf आ गया। नाउ pi निकालेंगे तो pi के लिए क्या होता है, पूरी सिंबॉलिक फॉर्म कहाँ जाती है, नीचे जाती है, सो माइनस ट्वेल्व e की पावर माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाय d माइनस 2s plus 1, राइट। जहाँ पर भी डी वहाँ के रखेंगे माइनस थ्री, ये सी एफ और पी आई मैंने पहले आपको जब हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ाया था वहाँ पे मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ से आप रेफरेंस लेके समझ सकते हैं। सो यू बार इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का ट्वेल्व ई की पावर माइनस थ्री, जहाँ डी वहाँ माइनस थ्री रखेंगे तो माइनस टू एस माइनस वन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस तो कॉमन निकल कैंसिल हो रहा है, टू भी कॉमन निकल कैंसिल हो रहा है, तो ये आएगा सिक्स ई की पावर माइनस थ्री एक्स एस प्लस टू। नाउ अब क्या करेंगे हम सी एफ प्लस पी आई, सो यू बार इज इक्वल टू हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सी ए प्लस पी आई। मैंने आपको बता दू यू बार का मतलब होता है लाप्लास ऑफ यू एक्स टी, एंड सी एफ आपके पास है सी ई की पावर टू एस प्लस वन एक्स प्लस सिक्स ई की पावर माइनस थ्री एक्स अपॉन एस प्लस टू। नाउ हम क्या करेंगे इसका लाप्लास, आप सबसे पहले कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आप जान रहे हो कंडीशन क्या, अप्लाई जो भी कंडीशन जो भी एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो टी इज ग्रेटर देन जीरो, जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास
0. Now ye L udhar gaya, to uxt is equal to 6 e ki power minus 3x Laplace inverse of 1 upon s plus 2, or simplify karenge to ye aayega aapke paas uxt 6 e ki power minus 3x e ki power minus 2t. ye hamara answer aayega. आप इसको चेक करना चाहो कि यार गलत तो नहीं है, तो जहां पर भी t है वहां 0 रखिए, जिसे t की जगह 0 रखेंगे e की पावर 0 1 होगा. मैं आपको फिर से इसका आंसर यहां लिख देता हूं. सो uxt इज इक्वल टू 6 e की पावर, मैं यहां पे माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, 3x plus 2t. सो दिस इज द आंसर. सो स्टूडेंट्स, मेरे वीडियोस आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और आज मैंने पूरा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे टॉपिक से ये खत्म किया है. कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि बेसल फंक्शन का लाप्लास किस तरह से लेते हैं, या साइन रूट टी कॉस रूट टी के क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक और इस पे वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं उनका लाप्लास किस तरह से लेते हैं. और ये पूरा लाप्लास के मैंने सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. फर्स्ट में मैंने आपको डाला था बेसिक लाप्लास पे, एंड देन उसके बाद फिर फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कन्वोल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सभी टॉपिक मैंने इन वीडियोस में कवर किए. सो स्टूडेंट्स, मेरे वीडियोस आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज शेयर करिए, थोड़ा सा गुरु दक्षिणा भी देते रहिए गुरु को. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. थैंक यू.